हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अमन कौर। टुडे इन दिस वीडियो ईद मेकअप लुक ट्यूटोरियल, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इस मेकअप को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गुड वाइब्स का रोज टोनर लगाऊंगी, जिससे मेरा फेस फ्रेश और रिलीव फील करेगा। अच्छे से टोनर को डैप करके सेट कर लूँगी। अब मैं सेरावे की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, जिससे मेरा फेस सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। क्रीम को अच्छे से फेस और नेक पर लगाऊंगी। मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी ही हमारा मेकअप सही होगा। अब मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क फेस स्टूडियो प्राइम लगा रही हूँ। इसका बेस बहुत ही क्रीमी बेस है। जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, उनके लिए ये बेस्ट है। इसे भी हम अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट मैं लिक्विड हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी, जिसे मैं अपने हाइलाइट पॉइंट्स पर लगाऊंगी। आपके पास कोई भी लिक्विड हाइलाइटर हो तो आप उसे लगा सकते हैं। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहो तो ब्लेंडिंग ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर फाउंडेशन के पहले यदि हम कोई भी लिक्विड हाइलाइटर की एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारे जो फाउंडेशन का बेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं मेबेलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन लगाऊंगी। इसमें 2 पम्प्स इनफ होंगे और 2 ड्रॉप्स लिक्विड हाइलाइटर के मिक्स करूंगी और डॉट करके अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये थिक बेस में होता है। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन वाली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त फुल कवरेज फाउंडेशन है। अब मैं अपनी आईब्रो को सेट करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसेंस की ब्रॉ पाउडर पैलेट। इसके 2 शेड्स होते हैं, एक लाइटर और दूसरा थोड़ा डार्क होता है। आप अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी आईब्रो को एक अच्छी सी शेप भी दूँगी। अब मैं लगा रही हूँ हुला का ब्राउजिंग पाउडर। ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से कंटूर करता है और बहुत अच्छी शेप देता है। इसके साथ एक नेचुरली मैट लुक आती है। इसमें और भी शेड्स आते हैं, लेकिन ये हमारी इंडियन स्किन टोन के लिए बेस्ट शेड है। इसको मैं अपनी चिक बोन, फोरहेड, नोज़ की ब्रिज पर, अपर एंड लोअर लिप्स पर अप्लाई करूँगी और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि फेस को एक एग्जैक्ट शेप मिल गई है। मैं लगा रही हूँ ब्लशर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्क्स का ब्लशर, जिसका शेड नंबर पिंक लोटस है। इसकी पैकेजिंग बेसिक है, पर इसका शेड बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एक बार में ही इसका एग्जैक्ट शेड जो आ जाता है। अब मैं लगा रही हूँ रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। इसका शेड जो है वो गोल्डन है। सो आप इसका शेड देख सकते हैं कि लुक लाइक वाओ। मुझे मोस्टली गोल्डन कलर के हाइलाइटर बहुत ही पसंद होते हैं। सो इसे मैं अपने हाइलाइट एरियाज पर लगाऊंगी, जैसे कि चीक्स पर, नोज़ की ब्रिज पर, अपर एंड लोअर लिप्स पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का लूज सिटिंग पाउडर। इसे मैं अपने फेस की जो कंटूरिंग की थी उसे थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अप्लाई करूँगी, देन पाउडर ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर दूँगी। एक बात का ध्यान रखें कि पाउडर को ज़्यादा वक्त ना लगा कर रखें, नहीं तो फेस ज़्यादा वाइट और ड्राई हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आई मेकअप की तरफ, जिसके लिए मैं ब्यूटी ग्लेज्ड की पैलेट इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसके सारे शेड्स का रिव्यू किया है एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्राउनिश मैट शेड लिया है, जिसे मैंने एक फ्लैट ब्रश से लाइन ड्रॉ करी है। देन एक फ्लफी ब्रश से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप के लिए हम जो भी कलर चूज़ करते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। सेम प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आँख पर ऐसे ही करूँगी। अब मैंने कलर लिया है पर्पल डार्क कलर, जिसे मैं अपने आईज़ के एंड में अप्लाई करूँगी और अच्छे तरीके से इसे भी ब्लेंड कर दूँगी।
अब ग्रीन कलर लिया है जिसे मैंने आँख के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं इस कलर का थोड़ा सा रिफ्लेक्ट जो है वो ब्लू टोन में आता है, सो दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लू कलर है बट ये ग्रीन कलर है। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जितनी अच्छे आपके शेडो के कलर ब्लेंड होंगे उतना बेहतरीन आईज मेकअप आप पा सकते हैं। आँखों के नीचे मैंने ग्रीन कलर ही अप्लाई किया है। अब मैं मेबेलिन जेल आईलाइनर लगा रही हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। इस जेल आईलाइनर के साथ एक ब्रश भी आता है, ऐसे आप आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ, इसे मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई करूँगी। ये वाटरप्रूफ है और फुल वॉल्यूम मस्कारा है। तो नेक्स्ट वन मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल लंदन की लिपस्टिक जिसका शेड नंबर 310 है। तो फाइनली लास्ट वन मेकअप सेटिंग स्प्रे। आपने देखा ये मेकअप लुक क्रिएट करना बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।